तो अब बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की, जो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गई है। दूसरी ओर गांडे उपचुनाव की भी तिथि घोषित हुई है, तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी को लेकर झारखंड की राजनीति में चर्चाएं तेज है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने हमारे विशेष संवाददाता सौरभ रॉय से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और आसू पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, और एक तरफ इंडी अलायंस की ओर से भी पिछले दिनों मुंबई में एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी मौजूद रही, जिसको लेकर राजनीतिक चर्चा लगातार तेज है झारखंड में। इसी कड़ी में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार सौरभ जी, आपके सभी दर्शकों को जोहार। प्रतुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी इंडिया अलायंस के रैली में शामिल होती है और उनका साफ तौर पर खुले मन से भाजपा के ओर आरोप लगाया जाता है कि उनके पति को फंसाया गया, और झारखंड झुकेगा नहीं का नारा वो मुंबई में भी देकर वापस रांची लौटती है। देखिए, कल्पना सोरेन जी राजनीति में नहीं आई हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणी करनी चाहिए। हाँ, एक दो चीज़ हम जरूर कहेंगे कि मैडम, आप राजनीति में नहीं आई हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। अदालत ने उनको रियायत नहीं दी है, अदालत से उनको कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट गए पहली बार, वहाँ रिलीफ नहीं मिला। फिर PMLA कोर्ट ने तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जुडिशियल कस्टडी दी थी, और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट गए थे कि जो हमारी ये विधानसभा के सत्र के दौरान हम जा सकें, वो भी खारिज हो गया हाई कोर्ट से। तो अगर ऐसा वो कह रहे हैं कि वो जबरन फंसाया गया, तो कहीं ना कहीं भाई अब आप अदालतों पर भी प्रश्न कर रहे हैं, और इससे मैडम को बचना चाहिए। मुझे लगता है करप्शन के मामले में अगर कोई व्यक्ति गया तो उसको डिफेंड आप इस लेवल पर ना करें कि अदालतों को घसीटे। और दूसरा, हमारा मानना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कोई गलती नहीं की थी तो फिर ये भागम भाग का खेल क्यों। 40 घंटे तक वो गायब हो गए थे, फिर झारखंड में पदार्पण होता है और ED को पुख्ता सबूत होंगे, तभी उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में तो अभी तक कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं आया। अब तो मुझे लगता है उनको गिरफ्तार हुए 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, और ये कहना कि BJP का यहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा और हेमंत जी को फंसाएगा, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। उनको पॉजिटिव शुरुआत करें राजनीति में तो बेहतर है, यही हमारी उनको सलाह होगी। चुनाव आयोग के तरफ से लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे उपचुनाव की भी तिथि की घोषणा की गई है। इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि JMM की ओर से उम्मीदवार होंगी कल्पना सोरेन जी, और JMM के नेता यह भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस पर क्या कुछ राय है? अगर वो इसी तरीके के दावे करके खुश होते हैं तो खुश रहने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सपने देखने का सबको अधिकार है, वो सपने देखे। पिछले बार कई चुनाव को करें ना, ये कहते थे पिछली बार हमारी लहर थी। भाई उस लहर में भी तो इनको गांडे में 34% वोट आया था सिर्फ, यानी 66% जनता ने उनके खिलाफ वोट किया था, और ये सिर्फ 65,000 वोट लाकर चुनाव जीते थे, और हम इनसे करीब 56,000 वोट के आसपास हमें आया था, और आसू जो हमसे अलग होकर लड़ी थी उसको 15,000 वोट आया था। तो उस समय भी अगर हमारे और आसू के वोट को जोड़ दें तो भी इनके तथाकथित लहर में हम बहुत आगे थे। दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी जो हमारे रिबेल थे उनको 9,000 वोट आया था। तो अगर गांडे इनके लिए इतनी कंफर्टेबल सीट है तो 34% वोट पर JMM पिछली बार क्यों सिमट गई थी। हमारा मानना है कि चुनाव में दावे करने का सबको हक है, लेकिन आइए मैदान में देखते हैं। मुझे लगता है कल्पना सोरेन जी हार से अपनी पारी की शुरुआत नहीं करना चाहेंगे, इसलिए शायद वो गांडे ना लड़े। प्रतुल जी, 3 सीट पर रोड़ा बन रहा है, आखिर आप लोग क्यों जारी नहीं कर रहे हैं कि आसू कौन सा सीट से लड़ेगी, और धनबाद और चतरा जो BJP की सीट है उस पर कौन से उम्मीदवार होंगे? इसको लेकर लगातार इंडिया अलायंस के लोग भी आक्रामक है कि आखिर BJP क्यों नहीं निकाल रही है। वो कौन लोग आक्रामक हैं जिन्होंने अपने एक भी सीट की घोषणा नहीं की झारखंड में? भाई ये तो हास्यास्पद स्थिति है। हमने तो 17-18 दिन पहले अपने 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी, वो 17-18 दिन से प्रचार भी कर रहे हैं। अब 3 सीटें बची हैं, वो सही तय समय पर उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन वो प्रश्न कर रहे हैं इंडी गठबंधन वाले जिन्होंने एक भी सीट पर अभी तक अपना नाम अनाउंस नहीं किया। सीट की तो बात छोड़ दीजिए, ये भी क्लियर नहीं कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। JMM कहती है साहब 6 से कम पे मंजूर नहीं, कांग्रेस कहती है 5 से ज़्यादा देंगे नहीं, तो ये 5-6 के चक्कर में कहीं झारखंड से 9-2-11 ना हो जाए। तो हमारा मानना है कि पहले तो अपनी सीटों के अलायंस को ठीक कर ले, उसके बाद हमसे प्रश्न करें। एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे हम करना चाहेंगे,
हर एक कार्यकर्ता को अपने जीवन में महत्वाकांक्षा रहती है कि हमें एक अच्छा पद मिले, तो हम आपको शुरू से देख रहे हैं प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर बहुत अच्छे ढंग से आप अपने पद को निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में होगा कि यह 3 सीटों में कोई एक सीट अगर हमको मिल जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी डिमांड है कि पतुल भैया को कोई सीटों से लड़ाया जाए इस बार लोकसभा चुनाव में। देखिए सौरभ जी, हम राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय होता है। पार्टी जब जो भूमिका देती है जिस कार्यकर्ता को, उसे सहर्ष स्वीकार करता है, और कोई इच्छा नहीं, एम्बिशन नहीं, बस पार्टी के लिए सेवा करते रहना है। पार्टी जब जो भूमिका देगी उसके लिए व्यक्ति तैयार ही रहता, लेकिन कोई डिमांड करे कोई सीट, ये हमारे पार्टी के ना तो कल्चर में ना संस्कृति में, हमारी पार्टी त्याग के बुनियाद पर खड़ी है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस समय पार्टी की शुरुआत की थी, उस समय लोग हंसते थे। जब 1984 में हम 2 सीटों पर सिमट गए थे तो लोग हंसते थे कि साहब कोई पार्टी है, और आज देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गए। तो इस पार्टी का कार्यकर्ता होना ही गर्व का विषय है, अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा कुछ भी नहीं। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से प्रतुल सहदेव जी ने हमसे खास तौर पर बातचीत करते हुए कहा है कि कल्पना सोरेन जी का स्वागत है राजनीति में, लेकिन ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी।